हेलो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ ईवी बाइक्स के बारे में। ईवी बाइक्स में जो ब्लास्ट हो रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। फर्स्ट इज कि मैं आपको बताऊंगा क्या इंट्रोडक्शन है इसके बारे में, मतलब क्या कुछ हो रहा है। सेकंड में बताऊंगा कि क्या वजह हो सकती है, क्या रीजंस हो सकते हैं ब्लास्ट होने के। थर्ड में कुछ सॉल्यूशंस बताऊंगा ताकि अगर आपने ईवी बाइक जो है बाय करी है तो उसके लिए आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है या फिर क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा ताकि आपके साथ भी ऐसा कुछ एक्सीडेंट या फिर इंसिडेंट ना हो। कुछ यादें ताजा हो गई होंगी क्योंकि हम पुराने सेटअप पे हैं आज। बाय द वे, लेट इट बी, मैं करता हूं वीडियो को स्टार्ट। लेट्स बिगिन द वीडियो एंड आई एम कुल। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूंगा। ईवी बाइक्स, आपको ईवी बाइक्स के बारे में पता होगा जो कि पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ रहे हैं, तो उसी के साथ साथ ईवी बाइक्स की डिमांड भी बढ़ रही है क्योंकि लोगों को पेट्रोल महंगा पड़ रहा है, तो चार्जिंग की बाइक्स यूज करना लोग पसंद कर रहे हैं अभी। बट क्या सच में इसको लेना या फिर खरीदना वर्थ है, तो इसी के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में। देखो, ईवी में क्या होता है, बैटरी चार्ज करनी पड़ती है, डिस्चार्ज करनी पड़ती है। एंड उसमें जो बैटरी होती है वो है लिथियम आयन, जो हमारे फोन में भी होती है। उसी बैटरी का यूज़ करके हम इलेक्ट्रॉनिक बाइक को चलाते हैं, उसको चार्ज करते हैं, और वो बाकी साइकिल्स होती है चार्ज डिस्चार्ज और यूज होती है। ये सारा कुछ यहाँ पे जो ईवी बाइक के अंडर आता है। मैंने थोड़ा शॉर्टकट में बताने का ट्राई करा, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बट इसके बारे में डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें सिर्फ देखना है कि क्यों ब्लास्ट हो रहा है। और हाँ, एक बात पूछना भूल गया था कि क्या आपको इंट्रोडक्शन चाहिए, लाइक ईवी में क्या क्या कैसे होता है, कुछ क्या मैकेनिज्म यूज होता है, सब कुछ इन डेप्थ ईवी के बारे में आपको अगर नॉलेज चाहिए तो मुझे बता देना, मैं एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपको भी नॉलेज मिले एंड मुझे भी। तो देखना क्या होता है, कमेंट कर देना अगर आपको चाहिए। सो सिंपली बता दूं तो यहाँ पे जो बैटरी है, बैटरी की वजह से हमें देखने को मिलता है यहाँ पे पावर, एंड उसके वजह से हमारी जो बाइक है रन करती है, हमें पेट्रोल की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन था। अब ब्लास्ट हो रहे हैं आपने यहाँ पे सुना होगा, किसी ने नहीं सुना होगा, लेट इट बी, मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे ईवी बाइक्स में ब्लास्ट हो रहे हैं, जो ईवी स्कूटीज है लाइक ओला एंड इथर एक्सेट्रा जो है, ये जो सब की ईवी ब्रांड है, उनमें से बहुत सारे स्कूटी या फिर कहूँगा ईवी का ब्लास्ट होने शुरू हो चुके हैं बिकॉज ऑफ हीटिंग। जब कहोगे यार हीटिंग के वजह से हो रहा है तो फिर ये प्रोग्राम तो फेल हो गया, क्योंकि बाकी बाइक्स तो हीट नहीं, मतलब बाकी बाइक्स तो ब्लास्ट नहीं हो रही है, एंड ईवी ब्लास्ट हो रही है यानी फेलियर ऑफ ईवीज। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसके पीछे कुछ रीजन हो सकता है एंड उसी के बारे में डिस्कस करूंगा थोड़ा। क्या हो सकता है, क्यों ब्लास्ट हो रहे होंगे, तो उसके पीछे रीजन इज सिंपल, हीटिंग। आप कहोगे यार हीटिंग को मैनेज करना चाहिए फिर कंपनी को, अगर हीटिंग मैनेज नहीं हो रही है, ब्लास्ट हो रहे हैं, तो हम क्यों बाय करें, उसके बारे में भी बात करूंगा। सिंपल सी भाषा में बताऊं तो जो हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो इंडिया का टेम्परेचर है, बहुत हाई जा चुका है, पिछले साल से ज़्यादा ही गया है मैं कहूंगा, एंड हर बार ये इंक्रीज हो रहा है। अब देखो क्या है कि आपको ईवी बाइक खरीदनी है, बट आपको कम से कम प्राइस में खरीदनी है। अब ऐसा मत कहना कि मैं ईवी बाइक के तरफ से कह रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, ईवी बाइक्स आपको कम रेट में चाहिए तो उनको जो बैटरी इंपोर्ट करनी पड़ती है, क्योंकि इंडिया में बैटरी मैन्युफैक्चर नहीं होती है, हमको बैटरी जो है इंपोर्ट करनी पड़ती है बाहर से। सो इंपोर्ट करते समय उनको कम से कम कॉस्ट में यहाँ पे बैटरी चाहिए, तो उस वहाँ पे क्या होता है, जो इंसुलेशन है या फिर जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, वहाँ पे कुछ ना कुछ कॉस्ट कटिंग करी जाती है, उसके वजह से जो है टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाती बैटरी, या फिर उसमें छोटे छोटे प्रॉब्लम रह जाते हैं, वो भी एक रीज़न हो सकता है ब्लास्ट होने का। फर्स्ट थिंग यहाँ पे टेम्परेचर इशू है, टेम्परेचर इशू होने के कारण जो है डिफॉल्टी बैटरी जो है, जो कि प्रॉपरली मैन्युफैक्चर्ड नहीं हुई है, वो अगर हमारे बाइक में आ जाए तो चांसेस है कि हमारी जो बाइक है ब्लास्ट हो जाए, एंड ये चांसेस बहुत ही कम होते हैं क्योंकि पहले ही उनको इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं, अच्छे से सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू हो सकता है अगर सारी की सारी ईवीज अगर ब्लास्ट होने लगे। बट कुछ ही ईवीज यहाँ पे ब्लास्ट हुई है, ऐसा नहीं कहूँगा कि हर बार बैटरी का ही इशू होगा, बट मुझे कुछ परसेंट ऐसा लगता है कि मे भी हो सकता है कि बैटरी की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया के हिसाब से नहीं हुई होगी, तो इसी की वजह से हो सकता है कि यहाँ पे ब्लास्ट हमें देखने को मिलता है। सेकेंड रीजन, बैटरी की हीटिंग। अब कहोगे बैटरी की हीटिंग कैसे होगी, देखो आप रेस करते हो, गाड़ी चलाते हो, ऑब्वियसली हमारा जो पेट्रोल वाली बाइक है उसका भी इंजन गर्म होता है, तो इसका भी होगा, एंड लाइक वाइज यहाँ पे बैटरी भी हीट होगी, उसके वजह से भी ब्लास्ट हो सकती है। अब बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं ब्लास्ट होने के, बट क्या आपको इसको बाय करना नहीं चाहिए, यार ऐसा तो कोई है नहीं, क्योंकि आप बाय कर सकते हो, ऐसा नहीं है 100 में से सिर्फ एक ही ब्लास्ट हुई है, ऐसा भी नहीं है 500,000 बाइक्स में से एक ब्लास्ट हुई है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये फेलियर है या फिर सबके सब ब्लास्ट होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि जिनकी ब्लास्ट हुई है उनकी कुछ भी गलती हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक ही जो यूनिट है उसको मैन्युफैक्चर करते समय कुछ भी गलती हो सकती है, उसकी वजह से हो सकता है। सो सभी में होगा ऐसा भी नहीं है, एंड सभी में नहीं होगा ऐसा भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कह सकता, बट बता सकता हूँ कि ये यहाँ पे रीजन हो सकता है ब्लास्ट होने का। बट थर्ड पॉइंट की अगर बात करूँ तो यहाँ पे मोबाइल जब हम यूज करते हैं, हम कुछ
यहाँ पे सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते हैं बैटरी के लिए, यहाँ पे हीट नहीं हो इसलिए, क्या ऐसे बाइक में भी होता है? हाँ होता है, अभी उसी के बारे में बात करूंगा। अगर आपने ईवी बाइक खरीद ली है तो आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है या फिर क्या क्या करना चाहिए ताकि आपकी बाइक सेफ रहे एंड आपकी लाइफ भी सेफ रहे। तो फर्स्ट थिंग इज ओवरहीट मत होने दो। लाइक कैसे नहीं होने दे, हमको तो बाइक चलानी है। देखो आप क्या करते हो नॉर्मली, हम क्या करते हैं आप नहीं नॉर्मली हम क्या करते हैं अगर हमको बाइक चलानी है तो डायरेक्टली हम रेस कर देते हैं, क्योंकि ईवी यहाँ पे गियर वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है, हमें डायरेक्ट एक्सीलेटर देते थे एंड हाई टॉर्क जनरेट होता है, हाई पावर से हमारा डायरेक्ट पिकअप पकड़ती है हमारी बाइक। तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादा पावर कंज्यूम होती है, उसके साथ ज़्यादा हीट भी जनरेट होती है, उसके वजह से हमारे जो ब्लास्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फर्स्ट थिंग आप धीरे धीरे एक्सीलेटर दो एंड अच्छे से प्रॉपरली स्पीड मेंटेन करो। डायरेक्टली यहाँ पे एक्सीलेटर देके एकदम से मत जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से जाओ। आपका जो हीटिंग प्रोसेस है थोड़ा डल रहेगा, मतलब ज़्यादा फास्ट हीटिंग नहीं होगी। उसके बाद जब भी आप बाहर से आते हो तो आपने आए यहाँ पे घर पे रखा दी गाड़ी एंड यहाँ पे चार्जिंग पे लगा दिया, ऐसा मत करो, क्योंकि आप जब भी गाड़ी चलाते हो तो बैटरी हीटेड रहती है, आपने आए और डायरेक्ट चार्जिंग को लगा दिया तो बैटरी हीट ही है, उस पर चार्जिंग हो रही है तो और हीट होगी। तो आप आओ आधा एक घंटा उसको कूल डाउन होने दो एंड देन चार्जिंग को लगाओ, आपकी चार्जिंग भी फास्ट होगी एंड उसी के साथ ब्लास्ट के चांसेस कम होंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट कहूँगा कि यहाँ पे जो है आपको अपनी गाड़ी जो है छाव में लगानी होगी, लाइक धूप में वगैरह मत लगाओ ताकि जो उसका टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे एंड आपका ब्लास्ट वगैरह ना हो। ये सारा कुछ सिर्फ समर के लिए, बाकी सीजन में तो आपको कोई इशू नहीं आएगा, बट अभी उस पर भी काम होगा या फिर कुछ कंपनियों ने कहा है कि गवर्नमेंट से कि हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दो, उसको हम फॉलो करेंगे एंड वो वाली बाइक हमें देखने को मिलेगी। तो ऐसा कुछ यहाँ पे रूल भी बन सकता है, देखेंगे क्या होता है, बट जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस बताए हैं अगर आप उसको फॉलो करते हो तो ऑब्वियसली आप सेफ्टी जोन में हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड एंड मिलूंगा आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।